जब तक खेती लाभदायक नहीं बनेगी ये देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। तो देश ने कहने को तो कह दिया 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई लेकिन लागत जो जरूर दुगनी के करीब हुई। हमारे समय में डीजल पर 9% वैट था, उन्होंने उठाकर 18% कर दिया। हमारे समय में खाद पर कोई जीएसटी कोई टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पर कोई टैक्स नहीं था, ट्रैक्टर पार्ट्स पर टैक्स नहीं था, अब सब पे जीएसटी के लगते हैं। तो लागत तो दुगनी होगी, खाद महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, कीटनाशक दवाई महंगी होगी और आमदनी कहां से भी कोई स्कीम ले आते हैं। कभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वो किसान जो है मंडी के गेट के बाहर खड़ा रहता है। इसलिए बातें हैं, मैं तो भाई आपके साथ हूँ, किसान का स्वयं किसान का बेटा हूँ, मेरे को मालूम है आढ़ती भाई हैं, ये सदैव एक किस्म से एटीएम है, खाली मतलब उसका नहीं ये करते। किसान को कोई छोटी मोटी तकलीफ होती है डॉक्टर के जाना और क्या जाना, पूरी मदद करते हैं, जभी तो समाज चलता है। तो आज ये भी परेशान, किसान भी परेशान, मजदूर भी परेशान, व्यापारी भी परेशान और कर्मचारी भी परेशान। ऐसी सरकार मैंने तो भाई देखी नहीं। भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे थे, कितना भ्रष्टाचार। हमारा यही प्रयास रहेगा किसान को कोई भी फसल हो उसको उचित दाम मिले, मुनाफा मिले, तभी तो आगे चलेगा।